कैसे ये मुकाम हासिल किया, यहाँ तक कैसे पहुँच गए? पूरे प्रोसेस में मेरी फैमिली ने, मेरे बड़े पापा ने, मम्मी ने, पूरे परिवार ने, भाई बहन सब ने बहुत योगदान दिया है और हमेशा से मुझे ये बोला है कि तुम कर सकती हो। और कभी जब थोड़ा फेलियर भी देखने को मिला तो भी हमेशा मुझे सपोर्ट मिला है, सबने बहुत मोटिवेट किया है। और बचपन से ही पापा ने दिमाग में ये चीज़ डाली थी कि तुमको सिविल सर्विसेज करना है, तो हमेशा से यही था सपना कि SDM बनना है। पहले तो मैं UPSC के लिए भी मैंने तैयारी करी है और उसके प्री में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब जाके मैंने PCS की तरफ रुझान किया और आज मैं जो भी हूँ वो सब कुछ माता रानी की कृपा है और मेरे बड़े पापा हैं, मेरे पापा, मम्मी, पूरे परिवार, भाई बहन, सबका, दोस्त, सबका बहुत योगदान रहा है और सबने बहुत सपोर्ट किया है, सबने बहुत मोटिवेट किया है और सबने अपने तरफ से बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मेरी जर्नी में। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये परीक्षा पास की है, कितना चुनौती थी? चुनौतियाँ तो रहती है, मतलब मेहनत तो करनी ही है और पूरे प्रोसेस में ये ज़रूरी है कि कंसिस्टेंट रहें और जो भी चीज़ें हैं, जो भी गलतियाँ हो रही हैं उन पर काम करें। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ली थी और उसी के थ्रू जो भी वैल्यूबल फीडबैक मिलता था मैं उसको फॉलो करती रहती थी और देखती थी कि क्या गलत हो रहा है या कहाँ कम नंबर जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पे हमेशा मेहनत करती रहती थी। तो फाइनली फिर मेंस हो गया और इंटरव्यू का जो प्रोसेस था वो तो काफ़ी सीमलेस था मेरा, क्योंकि मेरा जो पैनल था वो बहुत कोऑर्डिनेटिंग था और काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया पहले उन लोगों ने। उसके बाद सवाल स्टार्ट हुए और कुछ 10-12 मिनट ही चला और काफ़ी सिचुएशन बेस्ड ही सवाल पूछे गए और बेसिकली वो नॉलेज नहीं टेस्ट करते हैं, वो पर्सनालिटी देखते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। तो बस यही सारे सवाल थे। और सफर SDM तक ही है कि आगे भी चलेगा ये सफर? नहीं, सफर अभी आगे भी चलेगा, अभी तो IAS बनना है। अच्छा, हाँ, इस बार का UPSC का अटेम्प्ट देना है। ये सफलता का श्रेय किसको दे? पूरे परिवार को देना चाहूंगी। हाँ।